हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन FIR कैसे दर्ज करते हैं अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप दर्ज करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल खो गया है या फिर आपका कोई भी सामान खो गया है, बाइक खो गई, कुछ भी खो गया है, तो दोस्तों आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है यूपी कॉप, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इस पर लॉग इन कर लेना है OTP के जरिए, अपने मोबाइल के OTP के जरिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, FIR ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर लॉस्ट आर्टिकल पे भी करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप रजिस्टर EFIR मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जिस नंबर से आपने लॉग इन किया होगा वह नंबर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों नाम आपका ऑलरेडी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एज भरना है अपना एज। यहाँ पे एज आप भर दीजिए जितनी भी आपकी एज है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका फादर का नाम मांगेगा, तो यहाँ पे आप फादर का नाम दे दीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसको हिंदी में भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हिंदी ना ले तो आप इंग्लिश में डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस होगा। दोस्तों यहाँ पे एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, एक एप्लीकेशन लिख लेनी है, उसका फ़ोटो ले लेना है, उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। उसमें आपका IMEI नंबर, सब कुछ जैसा आप एप्लीकेशन देते हैं थाने में वैसा ही बिल्कुल आप साइन करके पूरा बना लीजिए एक फ़ोटो खींच के। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल देता हूँ मैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल साफ़ फ़ोटो अपलोड करनी है, वरना रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक बार मेरा रिजेक्ट हो चुका है इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपका ये इंसिडेंट हुआ हो। अब इसके बाद दोस्तों आपको पुलिस स्टेशन सर्च करना है। तो दोस्तों पहले कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है, किडनैप हुआ है, थेफ्ट हुआ है या व्हीकल चोरी हुआ है। तो यहाँ मैं मोबाइल थेफ्ट डाल देता हूँ सब टाइप ऑफ कंप्लेंट में। अब यहाँ FIR कंटेंट में दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो है भर देना है, जो एप्लीकेशन में आपने लिखा है हिंदी में बिल्कुल टाइप या इंग्लिश जो भी जैसे टाइप किया है। अब यहाँ पे आप FIR कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं जो आपने इसमें लिखा था, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपलोड करिए जो फ़ोटो खींचा था आपने, एप्लीकेशन का साइन किया हुआ पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र। अब यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ रखा है, मेरे में यहाँ पड़ा है फ़ोटो, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ दिखना चाहिए, कुछ भी ब्लर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक बार फिर से आप पूरा चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा प्रेजेंट एड्रेस में कुछ एरर दिखा रहा है क्योंकि तो मैंने हिंदी में भरा है। तो चलिए मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ ताकि ये एरर ना आए। तो दोस्तों हमारा वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हिंदी में, कंप्यूटर से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ मैंने अपना इंग्लिश में भर दिया है, अब मेरा ये एरर नहीं शो हो रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, चलिए इसको फिर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फादर नेम भी चेंज कर देता हूँ, इंग्लिश में जो भरना है तो इंग्लिश सारा का सारा इंग्लिश में ही भरना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबमिट कर देना है सबसे नीचे आके। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर, योर EFIR रिक्वेस्ट सबमिटेड, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही रजिस्टर करते हैं, आपका मैसेज भी आ गया, देख लीजिए मेरे मैसेज भी आ गया है नंबर पर। अब इसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो जब अप्रूव हो जाएगा तो आप इसका स्टेटस और FIR की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।